भाजपा के विधायक उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भाजपा के नवनिर्वाचित 7 विधायकों ने शपथ ली, जिसके बाद लखनऊ भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंचे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों का स्वागत किया। संवाददाता राजन सिंह ने खास बातचीत की नवनिर्वाचित विधायक धर्मराज निषाद से। ये कटहरी की जनता ने मुझको जाना पहचाना और वो जानते हैं कि ये दुख सुख में और विकास करेंगे, और जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में सरकार है, इसलिए जनता ने कमल पर बटन दबाकर मुझे जिताने का काम किया है। अच्छा विधायक जी, एक बात बताइए, योगी जी ने एक नारा दिया था, एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, क्या ये नारा वहां पर काम किया? ये देखिए, हम एक रहेंगे सेफ रहेंगे, अगर हम इकट्ठा होंगे तभी जीत पाएंगे। जो इधर उधर से लोग गए थे, चाहे जिस धर्म के लोग हैं, उन्होंने एक हो करके और जो है कमल पर बटन दबाने का काम किया है, इसलिए हम जीत गए हैं। और जो बट जाते इधर उधर जाते तो हम नहीं जीत पाते। जीत तो बड़ी हासिल हुई, अब कटहरी की जनता के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, केंद्र प्रदेश में हमारी सरकार है, जो कुछ है और मुख्यमंत्री ने गोद लिया है, और उनके सम्मान में रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा सुरक्षा और सम्मान और क्षेत्र के विकास के लिए और सरकार है, जो भी आवश्यकता है हम वो प्रदेश और केंद्र से लाकर विकास करेंगे। योगी जी ने एक चुनौती दिया है, आखिरी सवाल है, योगी जी ने चुनौती दिया है कि 2027 में भी जीतना है, तो कैसी अब जीत के लिए क्या करेंगे? ये प्लान जो है भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, और हम जो है विधायक बन गए हैं, हम जो है क्षेत्र में जनता के दुख सुख में जाने का काम करेंगे, और केंद्र प्रदेश सरकार से ला करके क्षेत्र का विकास करेंगे, जिससे जनता 2027 में जो पुनः कमल खिलाने का काम करे। बिल्कुल, तो देखिए कटहरी के विधायक जी हैं, और साफ तौर से इनका कहना है कि 2027 के लिए जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर दी है, और वहां की जनता के लिए काम करेंगे, और उम्मीद है कि 2027 में भी इसी काम के बदौलत जो है 2027 का चुनाव भी जीतेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ।